हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज का वीडियो रेलवे के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। याद रखिएगा, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी 2020 के लिए मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं और मैंने इसके अंदर सारे ही क्वेश्चन रेलवे से संबंधित रखे हैं जो कि 2020 में रेलवे में काम या फिर कार्य किए गए हैं। जो भी घटनाएं हुई हैं उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, मेरा यकीन कीजिएगा, ये सेट इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपके परीक्षा में यहाँ से एक से दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। दोस्तों, ये क्वेश्चन सारे ही इम्पोर्टेंट हैं और मैं आपको इन क्वेश्चन की मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटेल भी आज कवर कराऊंगा। चलिए दोस्तों, तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य के मंडुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है? राइट आंसर है इसका उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के मंडुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। दोस्तों, अब इसका नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। याद रखिएगा, इससे पहले मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की पहली, याद रखिएगा, भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन महाराष्ट्र के किस शहर से शुरू हुई है? राइट आंसर है इसका देवलाली, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली से शुरू हुई है और ये बिहार के दानापुर तक, कहां तक? बिहार के दानापुर तक चलेगी। दोस्तों, किसान रेल फल सब्जी को लेकर जाएगी और कई स्टेशनों पर रुकेगी और उन सामान को वितरित करेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे लंबा, याद रखिएगा, सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण कहां कर रहा है? राइट आंसर है इसका मणिपुर, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कर रहा है मणिपुर में। दोस्तों, मणिपुर में इजाई नदी के पार इस पुल को बनाया जा रहा है। इसकी ऊंचाई 141 मीटर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने OHE यानी कि ओवरहेड इक्विपमेंट निगरानी ऐप लॉन्च किया? राइट आंसर इसका भारतीय रेलवे, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों, याद रखिएगा, जो तकनीकी खामियों के कारण ट्रेन की देरी होती है और आपको लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, उसमें सहायता करेगी ये इक्विपमेंट निगरानी ऐप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और रेलवे से किस प्रकार ये संबंधित है तो मैं आपको वो भी बताता हूं। क्वेश्चन है, मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया है? राइट आंसर है इसका कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, कर्नाटक में मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इसमें एक पुराने रेलवे स्टेशन को रेलवे स्टेशन के भवन को संग्रहालय में बदल दिया गया है। किसने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका भारतीय रेलवे। याद रखिएगा, रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे सुरक्षा के उद्देश्य से बड़ी संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली, याद रखिएगा, ये दक्षिण भारत की पहली है, दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया? राइट आंसर इसका आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, देश की ये दूसरी है और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल है और इसे आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने इसे हरी झंडी दिखाई और ये देश की दूसरी किसान रेल है और दक्षिण भारत की पहली। कर्नाटक में स्थित हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका राइट आंसर है श्री
सिद्ध रूधा स्वामी रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है और अब इसे सिद्ध रूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा हुबली में ही दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके द्वारा मेड बोट मेडिकल ट्रॉली विकसित की गई? राइट आंसर इसका भारतीय रेलवे। याद रखिएगा भारतीय रेलवे ने COVID-19 रोगियों को भोजन एवं दवा पहुंचाने में मदद करने के लिए मेड बोट नामक एक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन कहां से रवाना की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका राइट आंसर है कोलकाता, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा कोलकाता से पहली कंटेनर ट्रेन बांग्लादेश के लिए रवाना हुई है। ये ट्रेन तेल, साबुन, शैंपू और कपड़े इत्यादि सामान लेकर गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रेलवे पहली विद्युतकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कहां कर रहा है? राइट आंसर है इसका हरियाणा, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा हरियाणा के सोहाना के पास भारतीय रेलवे पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कर रहा है। इस सुरंग में से एक डबल कंटेनर मालगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने में सक्षम होगी। भारतीय रेलवे पहली बार किस राज्य से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? राइट आंसर है इसका आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में गुंटूर और इसके आसपास के क्षेत्र में मिर्ची की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे में कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड बनाया गया? सही आंसर इसका 2.8 किलोमीटर। याद रखिएगा भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों इसे नागपुर व कोरबा के बीच चलाया गया। कहां? नागपुर व कोरबा के बीच चलाया गया। इसमें 4 इलेक्ट्रिक इंजन लगे हुए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा केवल स्टे रेल ब्रिज का निर्माण कहां किया जा रहा है? राइट आंसर है इसका जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा भारतीय रेलवे द्वारा भारत के पहले केवल स्टे रेल ब्रिज, आप इसे कह सकते हैं केवल वाला रेल पुल का निर्माण जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। ये पुल जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ेगा। इस पुल की लंबाई है 473.25 मीटर, 473.25 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस स्टेशन पर भारत की पहली, दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली टिकट चेकिंग मशीन की शुरुआत की गई? राइट आंसर इसका नागपुर, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा इस मशीन का नाम है आत्मा। क्या है दोस्तों? आत्मा, और इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। दोबारा रिपीट करता हूं मैं, ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। दोस्तों इसे COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और यहां से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर है कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा कर्नाटक में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। ये 1400 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होगा। कितना? 1400 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा होगा। बात करें हम वर्तमान में गोरखपुर रेलवे स्टेशन सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है जो कि 1366 मीटर लंबा है। दोस्तों इसे कर्नाटक के, यानी कि जो नया बनाया जा रहा है 1400 मीटर का, इसे कर्नाटक के हुबली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बनाया जा रहा है। अब यहां से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है, मैंने आपको कुछ देर पहले एक क्वेश्चन कराया है कि कर्नाटक के हुबली जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो याद रखिएगा
इसी जंक्शन का नाम अब बदल कर दिया गया है श्री सिद्ध रुधा स्वामी रेलवे स्टेशन, श्री सिद्ध रुधा स्वामी रेलवे स्टेशन। किसने यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए रोबोट कैप्टन अर्जुन, याद रखिएगा कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया, राइट आंसर इसका सेंट्रल रेलवे यानी कि ऑप्शन ए, याद रखिएगा सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों की तेजी से स्क्रीनिंग करने के लिए कैप्टन अर्जुन नामक एक रोबोट लॉन्च किया है। भारतीय रेलवे ने अपने पहले, इंपॉर्टेंट है, अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जिसका नाम है WAG-12 का परिचालन शुरू किया, इसे कहां बनाया गया है, राइट आंसर है दोस्तों इसका मधेपुरा यानी कि ऑप्शन बी, याद रखिएगा इस इंजन का निर्माण बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री में हुआ है। किस रेलवे जोन ने आर बोट यानी कि रेल बोट, इसका फुल फॉर्म है रेल बोट नामक रोबोट डिवाइस विकसित किया, राइट आंसर है इसका दक्षिण मध्य रेलवे यानी कि ऑप्शन बी, इसे COVID-19 मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला रेलवे का पहला स्टेशन कौन बना, सही आंसर है दोस्तों इसका अहमदाबाद यानी कि ऑप्शन ए, याद रखिएगा इस सैनिटाइजर टनल में सेंसर लगे हुए हैं, जैसे ही कोई व्यक्ति इसमें प्रवेश करता है तो सेंसर ऑन हो जाते हैं और उस पर केमिकल की फॉगिंग शुरू हो जाती है। रेलवे ने पहले रेस्तरा ऑन व्हील्स का शुभारंभ कहां किया, राइट आंसर है इसका आसनसोल यानी कि ऑप्शन डी, याद रखिएगा आसनसोल ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। दोस्तों भारतीय रेलवे ने आसनसोल रेलवे स्टेशन में पहली चलती फिरती खान पान सेवा जिसका नाम है रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया। किस रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने के लिए चुना गया, राइट आंसर है दोस्तों इसका नई दिल्ली रेलवे स्टेशन यानी कि ऑप्शन बी, याद रखिएगा अब इस स्टेशन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा और इसे एक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन में बदला जाएगा। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने को मंजूरी दे दी गई, सही आंसर इसका नाना शंकर सेठ यानी कि ऑप्शन बी, अब इसका नाम होगा नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे, याद रखिएगा नाना शंकर सेठ महाराष्ट्र के एक परोपकारी और शिक्षाविद थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के सबसे लंबे, याद रखिएगा सबसे लंबे रेलवे पुल का निर्माण कहां किया जा रहा है, राइट आंसर इसका मणिपुर यानी कि ऑप्शन डी, याद रखिएगा मणिपुर में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे यानी कि नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे भारत के सबसे लंबे पुल का निर्माण कर रहा है। दोस्तों निर्माण पूरा होने के बाद लगभग ये 100 मीटर लंबा पुल होगा और मणिपुर के तमेंगलोंग जिले में मकरू नदी पर इसका निर्माण किया जा रहा है। भारत के किस शहर के रेलवे स्टेशन पर स्क्वाड मशीन स्थापित की गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका राइट आंसर है दिल्ली, दिल्ली में आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर इसे स्थापित किया गया है। दोस्तों स्क्वाड ये होता क्या है, होता क्या है स्क्वाड, तो याद रखिएगा हिंदी में कहें तो दंड बैठक, यदि कोई व्यक्ति 180 सेकंड में 30 स्क्वाड पूरे करता है तो रेलवे उसे मुफ्त प्लेटफॉर्म टिकट देती है। दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा और आप इस बात का विश्वास कीजिएगा कि यहां से आपको एक से दो क्वेश्चन पक्का रेलवे के एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।